नमस्कार स्टूडेंट, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर विषय ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेसेस पे है। यूनिट है 6 इंसुलेटिंग मटेरियल। जो टॉपिक लिया गया है इंसुलेटिंग मटेरियल में वो है ग्लास वूल और थर्मोकोल। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लास वूल क्या होता है। ग्लास वूल जो ग्लास होता है शीशा, उसी के ही बारीक फाइबर होते हैं जिन्हें आपस में ऊन की तरह गूंथ करके बनाया जाता है, इसलिए इसे ग्लास वूल बोला गया है। इसको बनाने के लिए बोरा सिलिकेट जो ग्लास है उसका प्रयोग किया जाता है, साथ में सिलिका सैंड, रिसाइकल ग्लास का मतलब जो टूटा हुआ कांच होता है वो वापस रिसाइकल हो सकता है, तो उसको, और फिक्सिंग एजेंट, ठीक है, इनसे मिला करके बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए पहले ग्लास को मेल्ट करना होता है, फिर उससे फाइबर निकाले जाते हैं। मेल्टेड जो ग्लास है, पिघला हुआ जो शीशा है, उससे पिघले हुए कांच से बारीक रेशे निकाले जाते हैं, फिर उनको आपस में गूंथ करके ग्लास वूल बनाया जाता है, जो आपके सामने इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ऐसी सीटें इसकी बना ली जाती हैं, बेड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुणधर्म, इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। ये फायर रेजिस्टेंट होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हीट लॉस को ये रोकता है। अच्छा साउंड इंसुलेटर भी होता है, ध्वनि निरोधक। इसका जो हेल्थ पे कोई ख़राब इफेक्ट नहीं होता है, तथा ये मेटल के लिए संक्षारण रोधी भी होता है, यानी किसी मेटल के कांटेक्ट में है तो उसे खराब, उसका संक्षारण नहीं करेगा। इसका प्रयोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग अधिकांशतः हीट इंसुलेशन के लिए किया जाता है, चाहे वो स्ट्रक्चर की हो, चाहे कोई पाइपलाइन हो, पाइपलाइन या हॉट फ्लूड के लिए हो या कोल्ड फ्लूड के लिए, दोनों के लिए इंसुलेशन में ये काम में आता है, क्योंकि ये हीट के फ्लो को रोकता है। तो पाइप इंसुलेशन में HVAC तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, HVAC का मतलब हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और एयर कंडीशनिंग इंसुलेशन में, ठीक है, यानी किसी रूम को जहां AC लगा हुआ है उसको जो हीट गेन है उसको रोकने के लिए, कि बाहर की हीट अंदर नहीं आए। यदि कोल्ड अंदर कोल्ड रखना चाहते हो, यदि अंदर गर्म रखना चाहते हो तो अंदर की हीट बाहर न जाए, ठीक है। तो ये HVAC सिस्टम दोनों तरफ से काम करता है, ये हीटिंग के लिए भी होता है, वेंटिलेशन के लिए भी होता है, और एयर कंडीशनिंग के लिए भी होता है। तो उसके लिए इंसुलेशन करने में रेजिडेंशियल जो बिल्डिंगें होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, सिनेमा हॉल है, रहने वाली जो बिल्डिंगें हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंगें हैं, जो प्लांट है, इनको भी हीटिंग इंसुलेशन प्रोवाइड करने में ये काम में आता है। साथ में ही जो कोरोजिव केमिकल्स होते हैं, संक्षारण वाले जो केमिकल हैं, एसिड वगैरह हैं, इनका भी फिल्टर करने में ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। साथ में ही साउंड प्रूफिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह है, इनको साउंड प्रूफ रखना ज़रूरी होता है, तो वहाँ भी जो उसकी दीवारें हैं सिनेमा हॉल की, रूफ़ है और साइड की जो दीवारें हैं वहाँ पर ये ग्लास वूल अंदर भर दिया जाता है दीवारों के बीच, ताकि साउंड प्रूफ बन सके। इसके बाद देखते हैं थर्माकोल। ये पॉलीस्टाइरीन से बनता है, पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है, प्लास्टिक है, ठीक है, उससे ये थर्माकोल बनता है। इसको बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन को गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे वो आपस में, जो पॉलीस्टाइरीन है वो आपस में फ्यूज होकर जुड़ जाते हैं और एक्सपेंड होते हैं, ठीक है। जब ये एक्सपेंड होते हैं तो एक्सपेंशन के दौरान एयर इनके अंदर फिल हो जाती है, जो 95% तक क्या हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, और जो मटेरियल, जो मास होता है इसका पॉलीस्टाइरीन का, वो केवल 5% रहता है। इस वजह से ये काफ़ी हल्का भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एयर भरी भी रहती है, इसलिए इसे एक्सपेंडेंट पॉलीस्टाइरीन भी बोला जाता है, ठीक है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि इसको पॉलीस्टाइरीन को एक्सपेंड करके बनाया जाता है।
ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये आप सबने देखा हुआ भी है थर्माकोल अपने घर पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल के कई आइटम आते हैं जो इस प्रकार के थर्माकोल की पैकिंग में आते हैं। इसकी गुणधर्म देख लेते हैं। वेट में हल्का होता है, गंध रहित और टेस्ट लेस भी होता है। वैसे टेस्ट 100 डिग्री के पश्चात ये मेल्ट होना स्टार्ट होने लग जाता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट होने लग जाता है और 240 के करीब, 210 से 240 के करीब ये पिघल जाता है। 100 डिग्री के बाद ये क्या हो जाएगा, नरम होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ये थोड़ा सॉलिड रहता है 100 डिग्री से कम तक, उसके बाद ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रयोग लो टेम्परेचर का इंसुलेशन करने में किया जाता है। लो टेम्परेचर का मतलब आप कह सकते हो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वाली जगह को इंसुलेट करने में प्रयोग किया जाता है। वाटर रेजिस्टेंट भी होता है और हाईली फ्लेमेबल यानी उच्च ज्वलनशील भी ये होता है। आपने कभी जलाया भी होगा थर्माकोल, तुरंत जल जाता है। जो ब्लैक काली धुआं इससे निकलती है जो हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होती है, इसलिए इसके साथ जो प्रॉब्लम रहती है, इसका प्रॉपर डिस्पोज करने वाली प्रॉब्लम इसके साथ रहती है, जो ग्लास वुल्कन के साथ नहीं है। ठीक है, यूजेस देख लें, इसके प्रयोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो पैकिंग होती है सामान की, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो, कंप्यूटर वगैरह हो, ये सारी पैकिंग के दौरान इसमें थर्माकोल का वो मोल्ड बना के उसमें उस आइटम को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रखा जाता है। ये थर्माकोल उसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, और कोई केमिकल वगैरह से भी कुछ नुकसान नहीं हो, उससे भी ये इसकी सुरक्षा करता है। फूड इंडस्ट्री में भी होता है पैकेजिंग इनके लिए, हीट इंसुलेशन फॉर लो टेम्परेचर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह का हीट इंसुलेशन करने में भी, क्योंकि आपको बताया गया कि ये लो टेम्परेचर पे ही यूज होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको थर्मल इंसुलेशन के रूप में प्रयोग करेंगे तो खुद ही जल जाएगा। ठीक है, यानी कोई माइनस टेम्परेचर वाली जगह है उसको वातावरण से उस टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए, है ना, जैसे फ्रिज वगैरह है, कोल्ड स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तुलना में बहुत कम रहता है, कोल्ड स्टोरेज में जो सामान रखा जाता है तो नॉर्मली -5 डिग्री, -10 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, तो उसका इंसुलेशन करने के लिए ये सही रहता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो खुद ही जल जाता है। ठीक है, और आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क भी इससे बनाए जाते हैं, कोई मॉडल्स वगैरह है ये भी इससे थर्माकोल से बनाए जाते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट।